We'll start with chapter 4. चैप्टर टू का जो सेकंड पार्ट है एंड चैप्टर थ्री जिसमें ऑप्शंस है, फॉरवर्ड्स है, सो दैट विल बी टेकन बाय प्रवीण सर. हम लोग चैप्टर फोर से स्टार्ट करते हैं, विच इज मनी मार्केट्स. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, बिकॉज इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम लोग पढ़ेंगे. मोस्टली इट्स थ्योरी, बट अगेन वही है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है. सो इट डजेंट मतलब आप लोग को ऐसा नहीं कि यू हैव टू मेमोराइज अलॉट, बट जस्ट दैट जो की पॉइंट्स है वो हम लोग को पता होना चाहिए, राइट? सो ओके, सो व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग? तो यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, ये हमने ऑलरेडी CB1 में किया है. इफ यू हैव डन CT2, तो CT2 में ये इंस्ट्रूमेंट्स हमने किया है. ट्रेजरी बिल्स, लोकल ट्रेजरी बिल्स इज बेसिकली द बिल्स व्हिच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट. शॉर्ट टर्म जनरली 3 60 days, 90 days के ड्यूरेशन का होता है. उसके बाद वी हैव लोकल अथॉरिटी बिल्स. लोकल अथॉरिटी बिल्स हो गया जैसे ट्रेजरी बिल्स इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, राइट? सो लोकल अथॉरिटी बिल्स हो जाता है बिल्स व्हिच इज इशूड बाय द लोकल गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटीज. जैसे हम बोल देते हैं पोस्ट ऑफिस ने कोई बिल निकाला अपना, तो दैट इज योर लोकल अथॉरिटी बिल. बिल ऑफ एक्सचेंज, अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली हमने इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज को IOUs भी बोलते हैं. सो IOU इज बेसिकली जब फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सप्लायर एंड देर इज अ कस्टमर. तो कस्टमर जब सप्लायर से कुछ खरीदता है तो इंस्टेड ऑफ पेइंग द कैश आउट राइट वो एक बिल इशू करता है. द सप्लायर इशूज अ बिल, उसमें कैश मेंशन है, द अमाउंट अमाउंट जो है दैट इज मेंशन. लेट्स सपोज 10,000 का हमने सेल किया तो 10,000 मेंशन रहेगा. कितने ड्यूरेशन में, लाइक आफ्टर अ मंथ मे बी द कस्टमर विल रीपे द 10,000 अमाउंट बैक. एंड अगर वो रीपे नहीं करता सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट. सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर बिल. दैट बिल इज साइंड बाय द सेलर एंड बाय द कस्टमर. उसके बाद वो जो बिल है, अब वो साइंड बिल जो है दैट कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट. बेसिकली दो जो सेलर है, सेलर के पास वो बिल है, पैसा नहीं है, राइट? तो उसको कैश चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस बिल को जाके किसी और को बेच देगा. मे बी 10,000 का अमाउंट है सो ही विल सेल इट फॉर लेट सपोज 9,500. तो उसके पास कैश आ गया 9,500 का अभी, एंड वो उसने बिल किसी और को बेच दिया. नाउ देर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एक होता है रिकोर्स और एक होता है नॉन रिकोर्स, ठीक है? तो नॉन रिकोर्स क्या होता है? नॉन रिकोर्स इज बेसिकली जहां पे जो सप्लायर है, सप्लायर सेल्स ऑन इट्स ट्रेड डेट्स टू द फैक्टर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश पेमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स बिफोर द एक्चुअल ड्यू डेट. तो ये मैंने समझाया कि आफ्टर लाइक मुझे 1 month के बाद 10,000 मिलता, करेक्ट? बट आई एम गेटिंग 9,500 राइट अवे राइट नाउ. द फैक्टर टेक्स द क्रेडिट रिस्क एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रेडिट एनालिसिस. सो ये जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. वेरी सिंपल, दो चीज होता है, एक होता है नॉन रिकोर्स एंड एक होता है रिकोर्स, ठीक है? तो यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज नॉन रिकोर्स. नॉन रिकोर्स मतलब कि जो सेलर है, सेलर यहाँ पे सेलर का मतलब है सेलर ऑफ नॉट बेसिकली आप बोल सकते हो सेलर ऑफ द बिल, सेलर ऑफ द बिल और मे बी जो सप्लायर है जिसने गुड्स बेचा है, ये इस बिल को किसी XYZ को बेच के अभी 9,500 इसको मिल जाएगा, राइट? तो अब फॉर एग्जाम्पल ये बिल हमने इशू किया था ABC को. ABC वॉज द कस्टमर जिसको हमने ये 10,000 का बिल इशू किया था. तो अब क्या होगा, बिल इसके पास है, XYZ के पास है, इसके पास कैश आ गया सेलर के पास, तो वो अपना खुश है. नाउ ABC विल हैव टू पे 10,000 आफ्टर अ मंथ टू XYZ. एंड वॉट इफ ABC पे नहीं कर पाए, देयर इज अ क्रेडिट रिस्क कि ABC पे नहीं कर पाएगा. तो ये जो क्रेडिट रिस्क है दिस इज बोर्न बाय द
बायर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज एक्स वाई जेड. दिस इज नॉन रिकोर्स. नॉन रिकोर्स मतलब एक्स वाई जेड जो है वो इसको रिकोर्स नहीं कर सकता. वो जाके सेलर को बोल नहीं सकता कि एबीसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो आप मेरा पैसा दो. ये चीज नहीं हो सकता इन केस ऑफ नॉन रिकोर्स. एंड रिकोर्स इज बेसिकली जहां पे इट्स अ सिंपल सिंपल सेलिंग ऑफ द बिल बट द क्रेडिट रिस्क विल रिमेन बाय द विद द सेलर इटसेल्फ. तो अगर एबीसी डिफॉल्ट करता है आफ्टर अ मंथ, एक्स वाई जेड कैन गो बैक टू द सेलर एंड आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज. तो ये जो पूरा चीज है जिसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज IOU, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बिल ऑफ एक्सचेंज. मतलब ये जो बिल है इसका ये मतलब है दैट एबीसी ओज मनी टू एक्स वाई जेड और टू द सेलर. दैट्स इट. वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड मोर. यहाँ पे जस्ट वेरी बेसिक इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि IOU होता क्या. अनदर थिंग दैट वी हैव ओवर हियर, सो बेसिकली मनी मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं. मनी मार्केट इज बेसिकली शॉर्ट टर्म जहाँ पे लेंडिंग एंड बोरोइंग होते हैं, यूजली नॉट मोर देन अ ईयर, एंड जनरली इट्स इन वेरी ह्यूज अमाउंट. तो इसमें जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है, जैसे हम, वी आर इंडिविजुअल ट्रेडर्स, लेंडर्स, बोरोअर्स, वी जनरली डोंट डील इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. और इफ यू हैव अ ह्यूज कैश लमसम देन ओनली यू आर डीलिंग इन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. दिस इज जनरली डन एट अ वेरी बिग लेवल जिसको हम लोग होलसेल लेवल भी बोलते हैं. तो ये यूजली बैंक्स करते हैं, कॉर्पोरेट्स करते हैं, गवर्नमेंट्स करते हैं. एंड देर आर वेज इन विच यू कैन एंटर इन टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली. हम लोग यूजली नहीं खरीदते. तो क्या वेज है, अगेन ये जो वेज होते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग देखेंगे इन बुकलेट टू. सो बेसिकली अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं दैट इज बुकलेट टू रिविजन नोट का. बुकलेट टू कवर्स चैप्टर 1 to 5 एंड द लास्ट चैप्टर विच इज नहीं, इट कवर्स 1 to 5 ओनली. ओके, सो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के देर आर डिफरेंट वेज. ऑल राइट, सो सबसे पहले आप डायरेक्टली खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो. खुद से इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है कि आप खुद से बिल ऑफ एक्सचेंज खरीद रहे हो, आप खुद से बॉन्ड खरीद रहे हो, आप खुद से बॉन्ड बेच रहे हो, वॉट एवर. और यू कैन हायर अ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म. मतलब सपोज आई हैव अ लॉट ऑफ, आई एम एन HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैंने एक पर्टिकुलर फर्म को हायर किया एज माई फंड मैनेजर. एंड थ्रू देम दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर ट्रेन्ड इन डूइंग दिस. सो थ्रू देम दे विल बाय एंड सेल ऑन माई अकाउंट ऑन माई कैश. एंड मनी मार्केट फंड, अब ये जो फंड होते हैं ना, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड विच यू विल सी, प्राइवेट इक्विटी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ये फंड बेसिकली क्या होता है, ये कलेक्टिव फंड होते हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं. दोज हु हैव डन CP1 उन्होंने सुना होगा. कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज बेसिकली जहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स का पैसा वो लेते हैं, एक फंड में कलेक्ट करते हैं, एंड दिस इंटायर फंड इज देन इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. सो ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू वी कैन इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. सो अनदर थिंग, ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स अगेन 90 डे का होता है, 180 डे, 60 डेज का भी होता है. सो जनरली 1 year, नॉट मोर देन दैट. सो इट्स अ शॉर्ट टर्म बिल विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड इट हैज अ वेरी गुड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क. बहुत कम है क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रहे हैं. सेकेंडली लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी भी बहुत हाई है. क्यों? नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी. मार्केटेबिलिटी इज इजीली आप उसको सेल कर सकते हो या इजीली बिल को बाय कर सकते हो, दैट इज मार्केटेबिलिटी. लिक्विडिटी हैज डिफरेंट मीनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू कि आई हैव लिक्विडिटी इन माई पोर्टफोलियो, इसका ये मतलब है मेरे पास कुछ लिक्विड कैश है एंड अगर तुरंत आई नीड सम कैश फॉर ऑपरेशनल इशूज, सो आई कैन पे यूजिंग दैट पर्टिकुलर कैश, और मे बी आई कैन डाइल्यूट माई सम ऑफ द एसेट्स क्विकली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड आई कैन पे फॉर दैट ऑपरेशनल नीड्स. तो लिक्विडिटी एज इन अगर कोई अर्जेंट कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स आता है ड्यू टू एनी ऑपरेशनल नीड्स और वट एवर इट इज, तो आप उसको मीट कर सकते हो इजिली. मार्केटेबिलिटी इज जहां पे आप इजिली बॉन्ड को या फिर वट एवर द इंस्ट्रूमेंट इज उसको आप इजिली सेल और बाय कर सकते हो.
राइट. सो दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स अगेन. क्योंकि इतना सिक्योर है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी अर्न ऑन ट्रेजरी बिल्स आर यूजली वेरी लो. नाउ देर इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट इन मनी मार्केट विच इज नोन एज डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग का ये मतलब होता है, दैट द बिल्स आर इशूड मे बी एट अ डिस्काउंट. इसका पार वैल्यू, अच्छा पार वैल्यू, फेस वैल्यू, आई होप क्लियर है. पार वैल्यू, फेस वैल्यू, कोई डाउट है इसमें? पार वैल्यू लेट्स से सपोज 100 है. पार वैल्यू मतलब इस वैल्यू पे ये जो पर्टिकुलर बिल है रिडीम होगा, एंड अभी इश्यू हो रहा है 95 पे. सो लेट्स से सपोज ये 6 मंथ्स का बिल है, ठीक है? तो अभी टाइम जीरो पे आपको 95 95 देना है गवर्नमेंट को, एंड यू विल गेट द बिल, एंड यू विल गेट द बिल. एंड बदले में आफ्टर मे बी लेट्स सपोज 90 डेज, 60 डेज, वॉट एवर, यू विल गेट 100 रुपीज बैक, ठीक है? तो ये जो 95 है, दैट्स योर प्रॉफिट इन दिस. ये जो 5 रुपीज है, दिस इज योर प्रॉफिट इन द 60 डेज टाइम पीरियड और 90 डेज टाइम पीरियड. नाउ इट्स वेरी सिक्योर बिकॉज इट इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट. सो द इंटरेस्ट विच यू अर्न इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग इज वेरी लो. सिमिलरली कमर्शियल पेपर इज सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज, बट इट इज इश्यूड बाय द कॉर्पोरेट्स. अगेन कोई भी नहीं इश्यू कर सकता, कोई भी कंपनी नहीं. दे हैव टू मीट सर्टन बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एज इन उनका एक रेवेन्यू एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए. दे शुड बी ऑपरेटिंग इन द मार्केट सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड दे शुड हैव अ पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. सो काफी कुछ होते हैं. इफ दोज स्पेसिफिकेशंस मीट, देन ओनली दे कैन इशू द कमर्शियल पेपर. नाउ कमर्शियल पेपर सिंस इट इज इशूड बाय द कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, नॉट बाय द गवर्नमेंट, तो उनका सिक्योरिटी इन द सेंस की उनका जो क्रेडिट रिस्क है, दैट इज समवॉट हायर देन दैट ऑफ द ट्रेजरी बिल्स. तो कमर्शियल पेपर पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी लोअर देन दैट ऑफ द ट्रेजरी बिल्स, राइट? वेरी सिंपल. रेपो, बट इट इज नॉट वेरी हाई, क्योंकि कमर्शियल पेपर भी इशू इज इट इज इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज, विच आर वेरी मच सिक्योर. तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हाई रिटर्न मिल रहा है, राइट? सो दैट इज देयर. नाउ रेपो, रेपो इज वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग आगे जाके रेपो के बारे में काफी ज्यादा पढ़ेंगे. तो बेसिकली रेपो में क्या होता है, हम लोग अभी समझ लेते हैं, क्योंकि बाद में पोर्टफोलियो ट्रांजिशन इज अ चैप्टर जहां पे हम लोग को दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज वी यूज रेपो अलॉट ओवर देयर. तो ए एंड बी दो, लेट्स सपोज देर आर टू पीपल. नाउ ए हैज गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स, ये इसके पास है, विच इज वेरी सिक्योर. बॉन्ड्स आर वेरी सिक्योर्ड, एंड इनका अच्छा सिक्योरिटी है, क्रेडिट रिस्क भी बहुत कम है, क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर. बट इसके पास जो बॉन्ड है, ए के पास पैसा नहीं, कैश नहीं, उसके पास बॉन्ड है. एंड लेट्स सपोज उसको तुरंत कैश का रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो बी को ये बॉन्ड्स बेच देगा, ठीक है? बदले में वो उससे कोई कैश ले लेगा. लेट्स सपोज बॉन्ड्स आर वर्थ ऑफ 1 लाख, तो उसको कैश में अभी 90,000 मिल गया, वट एवर, ठीक है? दिस अरेंजमेंट ऑफ सेलिंग द बॉन्ड्स एंड गेटिंग द कैश, ये एंड देन ये एक अग्रीमेंट में उसको बॉन्ड बेच रहा है कि आफ्टर अ मंथ और आफ्टर 15 डेज और आफ्टर 20 डेज और आफ्टर 3 मंथ्स, व्हाट आई विल डू इज मुझे वापस से तुम मेरा बॉन्ड लौटा देना. सो दे विल अगेन रीपे द बॉन्ड बैक, एंड बदले में ए विल रिटर्न बैक द कैश, ऑब्वियसली अ लिटिल हायर अमाउंट. दिस इंटायर अरेंजमेंट इज नोन एज रेपो अरेंजमेंट, जहां पे ए हैज डिसाइडेड टू सेल द बॉन्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन ऑर्डर टू रीपरचेज इट बैक इन फ्यूचर टाइम पीरियड. दिस इंटायर अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेपो. नाउ अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि रेपो में कोई क्यों एंटर करना चाहता है. सो ए विल एंटर इन टू द रेपो ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसको कैश रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट कैश रिक्वायरमेंट है, एंड ही नोज कि वो 15 डेज में उसको रीपे कर सकते हैं. जनरली बैंक्स करते हैं, तो बैंक्स के पास क्योंकि दे हैव टू यू नो
मे बी बहुत सारे डिपॉजिटर्स आ गए उनके पास पैसा लेने के लिए बैंक के पास. सो बैंक के पास कैश नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच आ गया. सो दे सेल द बॉन्ड्स टू अनदर बैंक इन ऑर्डर एंड दे डिसाइड दैट आई विल रीपरचेज इट बैक इन अ वीक और इन 10 days ऑफ टाइम. नाउ व्हाई बी विल एंटर इन टू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बताओ. बी का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? बी बी इज बेसिकली एन इन्वेस्टर. यहाँ पे बी क्या कर रहे हैं? लेंड कर रहे हैं एंड ए बोरो कर रहे हैं. निहारिका बोलो. आई गेस बी के पास अभी जो कैश है उसको उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इंस्टेड अगर वो उसको ए को देगा ही विल आल्सो गेट अ हायर रिटर्न बिकॉज उसको ज्यादा पैसा वापस मिल रहा है आफ्टर अ फ्यू डेज. करेक्ट. सो उसको उसके पास एक्सेस कैश है, दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग कैन बी उसके पास अभी एंड दिस इज आल्सो रेपो अरेंजमेंट इज आल्सो सिक्योर. क्यों सिक्योर है? क्यों सिक्योर है? क्योंकि बॉन्ड्स है ना, ये जो बॉन्ड्स है गवर्नमेंट बॉन्ड्स है दीज हैव अ वेरी गुड क्रेडिट वर्थनेस कि हाँ ये डिफॉल्ट तो नहीं होगा. अगर ए डिफॉल्ट कर देते हैं तो बॉन्ड्स मेरे पास ही रहेगा. आई कैन सेल इट एंड आई कैन गेट माय कैश बैक. अगेन उसके पास एक्सेस कैश है और क्या हो सकता है बोलो? और कि उसके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उसकी. ये सब जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना ये बहुत काम आने वाला है बिकॉज जनरली द क्वेश्चंस ये खाली इस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और मे बी अ पर्टिकुलर रियल एस्टेट और पर्टिकुलर व्हाट एवर इट इज. तो क्या रीजंस है उसने उसमें क्यों इन्वेस्ट किया? सो दीज आर द कीवर्ड्स जो आपको याद होने पड़ेंगे क्योंकि ये एक जगह पे नहीं. आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग ये रिवाइज कर सकते हो. बट अदरवाइज ये जो कीवर्ड्स है यू ऑल कैन जस्ट राइट इट इन वन प्लेस. सो सिक्योर है, उसके पास अभी एक्सेस कैश है, उसके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अदर देन यू नो दिस रेपो. कि रेपो में एंटर करेगा तो उसको काफी अच्छा खासा. एंड दिस इज व्हाई आल्सो इट इज सिक्योर्ड. क्योंकि सिक्योर्ड लेंडिंग, व्हाई इट इज अ सिक्योर्ड लेंडिंग? क्योंकि वो पैसा दे रहा है बदले में उसको बॉन्ड मिल रहा है. तो बॉन्ड कैन बी कंसिडर्ड एज अ कोलैटरल. यहाँ पे अगर वो डिफॉल्ट करेगा बॉन्ड्स में बेच सकती हूँ, राइट? सो इट इज कंसिडर्ड एज अ कोलैटरल. तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. दिस इज द बोरोअर, दिस इज द बोरोअर एंड दिस इज द लेंडर. दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे. ओके. एंड अनदर थिंग होता है रिवर्स रेपो. सो बेसिकली रिवर्स रेपो इज व्हाट बी इज डूइंग ओवर हियर. ठीक है, इसने मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज रिवर्स रेपो. ये बी ने रिवर्स रेपो किया है एंड ए ने रेपो किया है. जहां पे ही इज सेलिंग द बॉन्ड एट एन अग्रीमेंट दैट आई विल रीपरचेज इट इन फ्यूचर एट अ पर्टिकुलर प्राइस. एंड बी ने क्या किया? बी ने बॉन्ड खरीदा है, बॉट द बॉन्ड और मे बी वॉट एवर द बॉन्ड हो सकते हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं, एट अ पर्टिकुलर प्राइस टू मे बी एट अ लेटर डेट दे विल सेल द बॉन्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस दैट हैज बीन डिसाइडेड एट टाइम जीरो. तो ये इनका रिवर्स रेपो होता है. अगेन अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग. नेक्स्ट गवर्नमेंट एजेंसी बिल्स जैसे मैंने समझाया. बैंक डिपॉजिट्स क्या होते हैं ना? बैंक डिपॉजिट इज बेसिकली टाइम डिपॉजिट है. तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फॉर एग्जाम्पल 3 months स्पेसिफिक, 9 months स्पेसिफिक, 12 months स्पेसिफिक हमने बैंक में डिपॉजिट किया. वी कैन नॉट गो टू द बैंक एंड आस्क द बैंक कि आप मुझे पैसा दे दो. अगर आप मांगते हो बैंक से बिफोर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे विल चार्ज यू अ पर्टिकुलर पेनल्टी अमाउंट. दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स डिपॉजिट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट? सो दिस इज योर एलिजिबल बिल्स हमने किया. सो वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोइंग विच इन्वॉल्व बैंक? टर्म लोन्स हो गए. टर्म लोन जो भी मैंने समझाया कि एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए हम लोन बैंक देता है. फॉर एग्जाम्पल 5 year का लोन, 6 year का लोन, वॉट एवर. देर आर टू लाइन ऑफ क्रेडिट, एवरग्रीन क्रेडिट एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट. इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट. लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? एवरग्रीन क्रेडिट में ये मतलब होता है कि द बैंक इज गिविंग यू द क्रेडिट, बैंक इज गिविंग यू अ लोन फॉर अ एंड कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है. मे बी आई एम गिविंग यू अ 30 lakhs ऑफ लोन. बैंक इज गिविंग यू अ 30 lakhs ऑफ लोन, दैट्स इट. नो टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड ओवर हियर. दैट्स एन एवरग्रीन क्रेडिट. रिवॉल्विंग क्रेडिट इज जस्ट लाइक एवरग्रीन क्रेडिट कि 30 lakhs का हम लोन दे रहे हैं बट देर इज यूजली अ फिक्स्ड मेच्योरिटी, 3 years, 2 years, whatever. नाउ
ये जो हम 30 लाख का लोन दे रहे हैं, द बैंक इज गिविंग दिस 30 लाख ऑफ लोन, तो इसका क्या मतलब है कि तुरंत आप 30 लाख नहीं विदड्रॉ करोगे, यू कैन विदड्रॉ इट इन पार्ट्स, मे बी समटाइम यू आर विदड्रॉइंग 10,000, समटाइम यू आर विदड्रॉइंग 20,000, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट. अब ऑब्वियसली एक चीज समझाओ कि बैंक ने आपको 30 लाख का लोन दिया, ठीक है, लाइक इट्स रिटन दैट दे हैव गिविंग यू, दे हैव कमिटेड अ फीस ऑफ 30 लाख टू यू, बट आप एक बार में 30 लाख नहीं ले रहे हो, यू कैन टेक इट एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो जस्ट टेल मी दिस, आप बैंक के पास कभी भी जा सकते हो क्या टू, एंड बैंक को आप बोलोगे आज मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए, तो बैंक के पास क्या 1 लाख रेडी रहेगा आपको देने के लिए? यस और नो? बैंक के पास क्या वो 1 लाख रेडी रहेगा टू यू नो जस्ट गिव यू? यस और नो? मैं भी नहीं रह सकता. नहीं रहेगा ऑब्वियसली. सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ नोटिस पीरियड, कि यूजुअली बैंक्स बोलते हैं कि आप मुझे 4 डेज या 3 डेज प्रायर मुझे बताओ दैट यू नीड दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश. तो बैंक आपको एक कमिटमेंट दे रहा है, बैंक आपको एक कमिटमेंट दे रहा है कि मैं आपको जितना भी आप मांगोगे अप टू 30 लाख आई विल बी एबल टू पे यू इन नेक्स्ट 4 टू 5 डेज. तो इस कमिटमेंट के बदले वो क्या चार्ज करते हैं आपसे? कमिटमेंट फीस चार्ज करते हैं, ठीक है. सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर. अनदर, ये मैं जो भी फैक्टर्स लिखती हूँ, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स. एक तो हो गया कमिटमेंट फीस चार्ज करेगा. क्यों कमिटमेंट फीस? क्योंकि वो एक कमिट कर रहा है आपको, एंड फ्यूचर में वो उस पर डिफॉल्ट नहीं कर सकता. अगर आप बैंक के पास जाके बोलोगे आई नीड 2 लाख ऑफ रुपीज नेक्स्ट इन नेक्स्ट 5 डेज, तो बैंक उस पर डिफॉल्ट नहीं, बैंक को देना पड़ेगा. बैंक आपको कमिट कर रहे कि मैं जब भी आप मांगोगे मैं आपको दूंगा. तो दैट इज अ कमिटमेंट फीस दैट द बैंक इज चार्जिंग यू. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि क्या जो बैंक ने आपको लेंड किया है इज दैट पर्टिकुलर लेंडिंग सिक्योर्ड, मतलब कोई कोलैटरल है क्या उसके अगेंस्ट पे. फॉर एग्जाम्पल जब हम होम लोन लेते हैं तो होम इज यूजली द सिक्योरिटी की. अगर सपोज हम लोन नहीं दे पाते, गवर्नमेंट और द बैंक कैन सेल आर होम एंड दे कैन रिकवर द अमाउंट, दैट्स द सिक्योरिटी. नेक्स्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ यूजली द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स, वन इज फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड वन इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट. फिक्स इंटरेस्ट क्या हो गया, 6% पर एनम पे हम लोग हमेशा के लिए हमने 10 ईयर्स का लोन ले लिया. फ्लोटिंग इंटरेस्ट इज यूजली चेंजिंग, जैसे कि एंड इट इज डिसाइडेड ऑन द फॉरवर्ड रेट्स. हम लोग फॉरवर्ड रेट्स पढ़ेंगे एंड यू हैव ऑल्सो डन इट इन CM1. सो फ्लोटिंग रेट्स आर बेसिकली सपोज 6% पर एनम, नेक्स्ट ईयर इट इज 7% पर एनम, डिपेंडिंग ऑन इन लोग. जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं लिबोर, लिबोर इज बेसिकली लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट. सो यूजली लिबोर, लिबोर 6 मंथ लिबोर होता है, 3 मंथ लिबोर होता है. तो लिबोर के बेसिस पे हम लोग फ्लोटिंग रेट डिसाइड करते हैं, दैट इज व्हाट इज मेंशन सिंस दिस इज यूके. तो वहां पे लिबोर होता है, इंडिया में इट्स लिबोर. इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज द ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन का हमने लोन लिया, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, वट एवर इज द ड्यूरेशन. सो ये हो गया. अनदर थिंग इज ब्रिजिंग, सो रिवॉल्विंग एंड एवरग्रीन क्रेडिट. ब्रिजिंग लोन्स क्या होते हैं? ब्रिजिंग लोन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लानिंग टू बिल्ड अ बिल्डिंग, मैं एक रियल एस्टेट, मतलब आई एम अ रियल एस्टेट, लेट्स नॉट से रियल एस्टेट एजेंट, बट आई एम समवन हू बिल्ड्स डिफरेंट बिल्डिंग्स, ठीक है. तो मैंने बिल्डिंग, आई हैव डिसाइडेड टू बिल्ड अ बिल्डिंग, उसके लिए आई नीड कैश, ऑब्वियसली आई नीड मनी. तो मैंने उसके लिए लेट्स से सपोज शेयर्स इशू, आई वॉन्ट टू इशू द शेयर्स. अब शेयर्स इशू करने के लिए देर इज अ होल न्यू प्रोसेस, इट मे टेक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स ऑफ टाइम, बट मुझे कैश रिक्वायरमेंट आज तुरंत है. तो आई कैन गो टू द बैंक एंड आस्क फॉर अ ब्रिजिंग लोन. ब्रिज का मीनिंग क्या होता है? इट्स इट्स कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, राइट? तो ब्रिजिंग लोन मैंने लिया, मतलब कि मैं बैंक से पैसा अभी ले रही हूँ, एंड जैसे ही मेरे पास शेयर्स इशू का पैसा आता है, प्रोसीड्स आता है, वो पैसे से मैं ये लोन रीपे कर दूंगी एंड देन आई कैन कंटिन्यू विथ माई ऑपरेशन. सो दैट इज ब्रिजिंग लोन, दैट
सो यहाँ पे क्या लिखा है, एडवांसेस टू बी रीपेड फ्रॉम स्पेसिफाइड इनकम. द स्पेसिफाइड इनकम ओवर हियर इज द प्रोसीड्स फ्रॉम द शेयर इश्यू दैट आई विल गेट, आई विल रीपेड बैक. एंड सो इट्स बेसिकली इंटरमीडिएट हम लोग बोलते हैं, या फिर इंटरिम पीरियड यहाँ पे जो मैंशन है, कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपने लिया है, आपने मतलब शेयर इशू किया, दैट्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. तो उसके बीच अगर आपको कैश का जरूरत है, यू कैन टेक अ ब्रिज लोन. इंटरनेशनल लोन्स, अगर आपको बहुत सारे लोन का जरूरत है, बहुत कैश का जरूरत, बहुत मनी का जरूरत है, तो यू विल टेक एन इंटरनेशनल लोन, यूजली ऑन अ सिंडिकेट बेसिस. सिंडिकेट बेसिस क्या होता है कि बहुत सारे बैंक मिलके आपको लोन देते हैं. एक एक अकेला बैंक आपको इतना लोन देके रिस्क नहीं लेना चाहता. सो बहुत सारे बैंक मिलके आपको लोन देते, राइट? सो देख लो यहाँ पे कमिटमेंट है, मेच्योरिटी है, विच इज द ड्यूरेशन एज आई मेंशन, कि कितने टर्म का आपने लोन लिया है, या फिर कितने टर्म के लिए आपने बोरो किया है, वॉट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सिक्योरिटीज. दीज आर द फोर डिफरेंट फैक्टर्स विच, और मे बी द फोर डिफरेंट थिंग्स दैट विल डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स. ठीक है, सो दिस इज योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, वेरी बेसिक, बट इसको पढ़ लेना अच्छे से, बिकॉज यू गेट टू थ्री, आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे इन द सेकेंड बुकलेट. नेक्स्ट वी हैव कॉर्पोरेट डेट एंड क्रेडिट डेरिवेटिव. अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वील बी डूइंग डिफरेंट क्रेडिट डेरिवेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग. तो दो चीज यहाँ पे जो इन्होंने समझाया है, देर आर टू डिफरेंट प्राइमरी रिस्क. सबसे पहला होता है डिफॉल्ट रिस्क and another is your liquidity risk. ठीक है, what is default risk? Very basic, कोई समझाओ quickly. What is default risk? पैसा नहीं दे पाएगा जो जिससे बोलो की है. जिससे बोरो नहीं किया, जिसको लेंड किया हमने. हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, जिससे लेंड. So they may not be able to fulfill their payments. Either it can be interest rates or either it can be the final redemption amount. They are not able to fulfill it on the particular due date. That's our default risk. Liquidity risk, again, we have done. So यहाँ पे क्या लिखे, strictly marketability risk. तो क्योंकि ऐसे मैंने समझाया दो मीनिंग होता है लिक्विडिटी का, तो marketability risk is basically, again, we are not able to sell the bond or whatever the इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव इन द मार्केट विथ ईज. या फिर अगर आप बेचना चाहो भी तो आपको बहुत कम प्राइस मिल रहा है उसका, जितना का वर्थ है उतना वर्थ का आपको प्राइस नहीं मिल रहा है, आपको बहुत कम प्राइस मिल रहा है. नाउ व्हाट क्रेडिट एजेंसीज डू इज दैट दे रेट दीज बॉन्ड्स. ठीक है, तो आपने सुना होगा ट्रिपल ए बॉन्ड, डबल ए बॉन्ड, सिंगल ए बॉन्ड. नाउ जितना कम रिस्क होगा उतना ज्यादा उसका क्रेडिट वर्दनेस होगा. बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लाइक जनरल थिंग कि रिस्क जितना कम होगा रिटर्न भी उतना कम होगा, राइट? रिटर्न भी उतना कम होगा. सो जितना रिस्क कम होगा उसका क्रेडिट रेटिंग विल बी वेरी हाई. क्रेडिट रेटिंग विल बी हाई बट अगेन द रिटर्न विल बी लो. तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट मार्जिन ओवर रिस्क फ्री रिटर्न. रिस्क फ्री रिटर्न यूजली हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल्स पे जो रिटर्न हमें मिल रहा है, दैट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ रिस्क फ्री रेट. सो विथ टाइम वी सी दैट, एंड उसके ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट हम लोग को कितना एडिशनल मिल रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर मार्जिन ओवर द रिस्क फ्री रेट. तो ट्रिपल ए बॉन्ड, ऑब्वियसली ट्रिपल ए बॉन्ड का सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है, क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क सबसे कम है, लिक्विडिटी रिस्क सबसे कम है, तो रिटर्न भी सबसे कम होगा. मार्जिन ओवर द रिस्क फ्री रेट विल बी लोअर. एंड ऑब्वियसली ये इंक्रीजिंग क्यों है ग्राफ, कैन एनीवन टेल मी विथ टाइम व्हाई इज दिस ग्राफ इंक्रीजिंग? व्हाई इज दिस ग्राफ इंक्रीजिंग? ड्यूरेशन बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा ना. करेक्ट. सो जितना ज्यादा ड्यूरेशन का आप लेंड करते हो, सपोज आई एम लेंडिंग यू फॉर 5 years, आई एम लेंडिंग यू फॉर 10 years, जितना ज्यादा के लिए हम लेंड करेंगे उतना ज्यादा रिस्क है, तो उतना ज्यादा हम लोग को मार्जिन ओवर रिस्क फ्री रिटर्न मिलना चाहिए. ठीक है, सो अनदर थिंग, लेट्स स्टार्ट विद क्रेडिट डेरिवेटिव्स. वेरी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये.
एंड इसका वैल्यूएशन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे इनको वैल्यू करते हैं. सो क्रेडिट डेरिवेटिव, का क्या मतलब है? डेरिवेटिव वी हैव डन. डेरिवेटिव इज बेसिकली समथिंग विच इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर इंस्ट्रूमेंट. अब क्रेडिट रिस्क तो सबके पास होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लेंड किया है तो मेरा क्रेडिट रिस्क है कि सपोज आई हैव लेंड टू रुचिता, तो मेरा क्रेडिट रिस्क है दैट रुचिता विल डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट. तो वो क्रेडिट रिस्क को मैं मिनिमाइज या फिर बोल सकते हैं मिटिगेट कैसे करूं, यूजिंग क्रेडिट डेरिवेटिव्स. एंड देर आर टू टाइप्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस. नाउ ऑप्शंस एंड स्वैप्स आप लोग करोगे सबकी क्लास में, बट एक बेसिक आइडिया पहले ले लेते हैं क्विकली 2 मिनट्स में. सो ऑप्शंस, दोज हु हैव ऑलरेडी डन CM2, ऑप्शन इज अ राइट टू सेल. जैसे हमने दो टाइप के ऑप्शंस हम पढ़ते हैं, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन, है ना. उतना डिटेल में भी जाने का जरूरत नहीं है, बट ऑप्शन इज द राइट टू सेल और बाय अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी एट अ पर्टिकुलर फ्यूचर डेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस. मतलब फ्यूचर डेट, प्राइस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, कि कितना हम सिक्योरिटी परचेज करेंगे. दैट्स दिस सिक्योरिटी कैन बी एनीथिंग एट अ पर्टिकुलर फ्यूचर डेट, पर्टिकुलर फ्यूचर प्राइस, ठीक है. ये सब कुछ अभी डिसाइडेड हो जाता है टाइम जीरो पे. सो दिस इज अ ऑप्शन कि आपके पास. सो ऑप्शन का एक बेनिफिट क्या होता है, आपके पास राइट है टू सेल, आपके पास राइट है टू सेल और बाई द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास राइट है. ऑब्लिगेशन मतलब आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपको बेचना ही पड़ेगा, जो फ्यूचर्स में हमने देखा था लास्ट क्लास. बट यहाँ पे एक राइट है, आप बेच भी सकते हो नहीं भी बेच सकते हो. सो दैट्स योर क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन. अनदर थिंग इज योर स्वैप. नाउ व्हाट इज अ स्वैप? स्वैप इज बेसिकली, एकदम बेसिक में करवाऊंगी, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जहां पे देर आर टू पार्टीज एंड दे एंटर इन टू अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज अ फिक्स्ड, मे बी दो तीन बहुत तरीके के स्वैप्स होते हैं. अगर हम बेसिक स्वैप लें, सो बेसिक स्वैप, और जिसको हम पार स्वैप भी पढ़ते हैं, जिसको हम पार स्वैप भी बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 6% इंटरेस्ट पे करेगा, इसको हम इंटरेस्ट रेट स्वैप भी बोलते हैं. 6% इंटरेस्ट पे करेगा ऑन लेट्स सपोज 1 लाख, ठीक है. बी विल पे ए फ्लोटिंग रेट, जो भी फ्लोटिंग रेट है उस समय का, इनटू 1 लाख. तो ये एक स्वैप अरेंजमेंट है जहां पे फिक्स्ड पेमेंट्स हम दे रहे हैं, बदले में हमें फ्लोटिंग पेमेंट मिल रहा है. दिस फ्लोटिंग रेट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लिबोर. दिस इज अ बेसिक इंटरेस्ट रेट स्वैप जहां पे ये जो आपका नॉमिनल अमाउंट है, इसको हम नॉमिनल अमाउंट बोलते हैं, द अमाउंट ऑन विच द स्वैप इज बीइंग अरेंज्ड, दिस अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड एंड इसको हम नहीं एक्सचेंज करते. सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट एक्सचेंज द इंटरेस्ट रेट्स. तो इसका वैल्यूएशन भी हम लोग करेंगे. स्वैप वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी सारे सम्स है स्वैप वैल्यूएशन के. तो व्हाट वी विल डू इज इन चैप्टर 12 एंड 13, व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक अ मॉडल ऑन दैट. एक मॉडल बना लेंगे तो सारे क्वेश्चंस में काम आ जाएगा. सो दिस इज अ वेरी बेसिक इंटरेस्ट रेट स्वैप की एंड टाइम फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है कि एवरी 6 मंथ में एक्सचेंज होगा, एवरी 1 ईयर में एक्सचेंज होगा, वट एवर इट इज, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है. करेंसी स्वैप भी होते हैं. करेंसी स्वैप क्या होता है, जहां पे ए विल पे बी लेट्स सपोज 1.6% ऑन मे बी 1 मिलियन पाउंड, ठीक है. एंड बी क्या करेगा, बी भी सम इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज 5% ऑफ लेट्स सपोज 0.75 मिलियन डॉलर्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका दोनों चीज हो रहा है. यहाँ पे आपका करेंसीज अलग है, ए बी को पाउंड्स में पे कर रहा है, बी ए को डॉलर्स में पे कर रहा है, एंड बोथ ऑफ दिस हैव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट कैन ऑल्सो चेंज. तो मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्वैप में इंटरेस्ट वॉज डिफरेंट क्योंकि ये एक फ्लोटिंग था. यहाँ पे हम देख रहे हैं करेंसी इज डिफरेंट, तो इसको हम करेंसी स्वैप बोलते हैं, इसको हम लोग करेंसी स्वैप बोलते हैं. अगर आप यहाँ पे 5% की जगह फ्लोटिंग घुसा दो,
ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी फ्लोटिंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट करेंसी स्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैप। क्रॉस करेंसी स्वैप मतलब इंटरेस्ट रेट भी है एंड करेंसी भी। सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप है जो हम लोग पढ़ेंगे, बट बेसिकली दिस इज अ स्वैप। तो अब हम लोग आते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। तो दो चीजें, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है एंड क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स अ पेमेंट इफ अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्स। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं। नाउ लेट्स सपोज आई एम सेइंग दैट मैंने रुचिता को लेंड किया है, सो देयर इज अ रिस्क दैट रुचिता विल डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट। तो इस डिफॉल्ट रिस्क से बचने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल बाय अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप फ्रॉम, लेट्स सपोज अंकित से आई एम बाइंग अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जहां पे अंकित विल पे मी इफ रुचिता डिफॉल्ट ऑन द बॉन्ड। तो बहुत सिंपल एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मैं डायग्राम से दिखाती हूँ आप लोग को, तो इजी हो जाएगा समझने में। लेट्स सपोज शिवांगी, अच्छा एक काम करते हैं, इनका एग्जाम्पल लेते हैं बिकॉज आप लोग जब रीड करोगे तो इजी रहेगा। ये बैंक एक्स वाई जेड ले रहे हैं, तो लेट्स टेक देयर एग्जाम्पल ओनली। बैंक एक्स है, बैंक जेड है एंड देयर इज अ बैंक वाई। तो बैंक वाई से एक्स को, एक्स ने बेसिकली बैंक वाई को लेंड किया है, ठीक है। लेट्स सपोज 100 90 रुपीज लेंड किया है, वट एवर। तो मुझे एक्स को वाई से 100 रुपीज मिलेगा आफ्टर लेट्स सपोज 6 मंथ्स। तो एक्स का अब एक क्रेडिट रिस्क है, क्या क्रेडिट रिस्क है एक्स का, कि वाई डिफॉल्ट कर देगा। तो इस क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए एंड एक्स के पास लेट्स सपोज एक बिल है, या फिर नॉट बिल बट जो भी बॉन्ड है, वट एवर इट इज, तो एक्स इज एंटरिंग इनटू अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जिसको हम लोग CDSB बोलते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप विथ जेड। तो जेड बेसिकली एक्स को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, एक आप जैसे बोल सकते हो इट्स अ इंस्ट्रूमेंट, वो उसको बेच रहा है फॉर अ फी, फॉर अ वेरी नॉमिनल फी एट टाइम जीरो, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज विच कैन हैपन। लेट्स सपोज टाइम वन पे वाई ने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट कर दिया मतलब उसने कुछ भी पे नहीं करा एक्स को। तो अगर कुछ भी नहीं पे करा, दिस इज अ क्रेडिट इवेंट। क्रेडिट इवेंट क्या होता है, जहां पे बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया। तो उस क्रेडिट इवेंट में अब जेड को क्या करना पड़ेगा, जेड को एक्स को 100 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेड क्या करेगा, जेड एक्स को 100 रुपीज पे करेगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो एक्स इज नाउ सेफ क्योंकि उसको 100 मिलना था वाई से, बट वाई ने पे नहीं करा, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो उसको ये पैसा मिल गया जेड से। दिस इज अ वेरी बेसिक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। स्वैप क्यों, स्वैप कब हो रहा है, एक एक पर्टिकुलर इवेंट पे हो रहा है, क्रेडिट इवेंट पे हो रहा है, इफ देर इज अ डिफॉल्ट तभी ये पर्टिकुलर एक्सचेंज हो रहा है। अगर अनदर थिंग, अगर वाई ने डिफॉल्ट नहीं किया, नो डिफॉल्ट, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली फिर वाई एक्स को 100 रुपीज पे कर देगा, तब ये वाला पेमेंट नहीं होगा। जस्ट दैट एक्स का क्या प्रॉफिट हो गया, एक्स का प्रॉफिट हो गया कि उसको एक फी मिला था स्टार्टिंग पे पॉइंट जीरो पे, टाइम जीरो पे। एंड एक्स का क्या बेनिफिट है, एक्स का ये बेनिफिट है दैट एक्स वॉज सिक्योर्ड फॉर 1 ईयर अगेंस्ट एनी क्रेडिट रिस्क फ्रॉम वाई। तो ये सिक्योरिटी के बदले एक प्रीमियम जो हम पे करते हैं, वो प्रीमियम ये फी एज अ फी इसने पे करा। सो दिस इज अ वेरी बेसिक स्वैप अरेंजमेंट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इफ देर इज अ क्रेडिट इवेंट हैपनिंग, तो जेड एक्स को पे करेगा। तो ये वाला चीज देखो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट इवेंट्स। देर कैन बी अ बैंक्रप्सी, मतलब वाई जो है वो बैंक्रप्ट हो गया, तो दैट्स ऑब्वियसली अ क्रेडिट इवेंट, वो पे नहीं कर पाएगा। सो एनी क्रेडिट इवेंट, तो जेड को एक्स को देना पड़ेगा पैसा। रेटिंग डाउनग्रेड भी यूजुअली होता है। रेटिंग डाउनग्रेड इज बेसिकली जहां पे मे बी AAA बॉन्ड था, अभी SA बॉन्ड या फिर SB बॉन्ड हो गया, तो इन दैट केस ऑल्सो उसको उसको रीपे करना पड़ेगा, जेड को एक्स को रीपे करना पड़ेगा। और इफ देर इज अ क्रॉस डिफॉल्ट, क्रॉस डिफॉल्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वाई ने 5-6 तरीके के बॉन्ड्स इशू करे, उसमें से एक तरीका का बॉन्ड उसने एक्स को इशू करा था, तो
अब क्या होगा अगर वाई ने इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे नहीं डिफॉल्ट किया है, उसने किसी और बॉन्ड पे डिफॉल्ट किया जिसने किसी और को लेंड करा था, तो दैट इज अ क्रॉस डिफॉल्ट, मतलब किसी और बॉन्ड पे डिफॉल्ट कर दिया विच वॉज इशूड बाय द सेम कंपनी वाई, बट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ बॉन्ड, मे बी 5 ईयर का बॉन्ड था एंड ये एक्स को इसने 1 ईयर का बॉन्ड दिया था. अंडरस्टूड क्रॉस डिफॉल्ट? एनी डाउट क्रॉस डिफॉल्ट में? सो दीज आर ऑल डिफरेंट क्रेडिट इवेंट्स. तो ये वाला एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं. द पार्टी दैट बाइज द प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे कौन है, कौन कौन है, कौन सा पार्टी है जिसने प्रोटेक्शन बाय किया है? रुचिता, एक्स, ठीक है. दे पे अ फीस टू द पार्टी दैट सेल्स द प्रोटेक्शन, किसने सेल किया है? जेड ने सेल किया है. इफ द क्रेडिट इवेंट अकर्स विद इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अ पेमेंट इज मेड फ्रॉम द सेलर टू बायर, मतलब जेड पे करेगा एक्स को. इफ क्रेडिट इवेंट डज नॉट अकर, बायर रिसीव्स नो मॉनेटरी बेनिफिट, बट उसने क्या, उसको क्या क्या बेनिफिट मिला? उसको ये बेनिफिट मिला कि उसको प्रोटेक्शन मिला फॉर द इंटायर ड्यूरेशन, कि अगर जेड बाय डिफॉल्ट करता तो मेरे को उस तरीके से प्रोटेक्शन मिल गया. नाउ अब मुझे रीजंस बताओ जेड का, कि जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जेड इज द सेलर ऑफ सीडीएस, तो इसका इसका बताओ कि ये क्यों बेचेगा, जेड सीडीएस क्यों बेचेगा, व्हाट कैन बी द रीजन? जेड तो मल्टीपल लाइक सीडीएस अरेंजमेंट्स में घुसेगा, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि सब में डिफॉल्ट होगा. तो इन मोस्ट केसेस हो सकता है कि इट विल जस्ट अर्न अ प्रॉफिट ऑन द फीस दैट दे गेट. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. सो जेड इज नॉट ओनली सेलिंग वन सीडीएस, मे बी बहुत सारे सीडीएस बेच रहे हैं, तो उसको फी का प्रॉफिट, ठीक है. ऑल्सो मे बी जेड एक्सपेक्ट्स कि वाई डिफॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है. उसका प्रोबेबिलिटी, सपोज दोनों ने प्रोबेबिलिटी निकाले, जेड ने और एक्स ने, तो एक्स का जो प्रोबेबिलिटी है कि वाई विल डिफॉल्ट इज समथिंग विच इज हायर देन दैट ऑफ व्हाट जेड इज कैलकुलेट, जेड हैज कैलकुलेटेड. तो जेड के लिए वो सही है कि हाँ चलो इतना जो फीस मिल रहा है ये डिफॉल्ट नहीं होगा तो मेरा प्रॉफिट है. अच्छा, जेड का प्रॉफिट कब होगा? जेड का प्रॉफिट होगा जब ऑल द पे आउट, जो भी सीडीएस में उसने पे आउट करा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट्स ये माइनस करते हैं, एंड प्रीमियम या फिर फीस जो मुझे मिला है, दिस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पेमेंट्स. सही है ये चीज, तभी उसका प्रॉफिट होगा जेड का, है ना, तभी जेड का प्रॉफिट होगा. और क्या रीजन हो सकते हैं? एक वेरी बेसिक रीजन बताना दोनों के लिए, एक्स क्यू सीडीएस में एंटर कर रहा है एंड जेड क्यू सीडीएस में एंटर कर रहा है, अदर देन प्रिवेंटिंग फ्रॉम क्रेडिट रिस्क एंड ऑल दोस, और क्या रीजन हो सकता है? वेरी बेसिक, सपोज जेड इज अ कंप एक्स इज अ कंपनी एंड वाई इज अ बैंक, ठीक है. तो एक क्रेडिट एक्सपोजर होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई का बहुत अच्छा रिलेशन है ओवर द इयर्स, कि ना वाई इज अ बैंक एंड एक्स इज अ कंपनी, लेट्स सपोज. तो वाई एज अ बैंक ने बहुत हेल्प किया है एक्स को, दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग, मे बी बाय कुछ भी अगर लोन रेज करता है तो एक्स उसमें हमेशा पार्ट लेता है, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट, मैं ये लिख देती हूँ, क्रेडिट एक्सपोजर या फिर लिमिट ऑन क्रेडिट एक्सपोजर. मतलब कि एक्स का बुक्स में लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर बैंक को वो 1 लाख या 2 लाख से ज्यादा लोन नहीं दे सकता. नाउ एक्स हैज ऑलरेडी रीच्ड दैट लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज, बट अगेन वाई इज रेजिंग अ लोन जिसमें एक्स को पार्ट लेना है. अगर एक्स पार्ट नहीं लेगा तो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई विल स्पॉइल. तो एक्स क्या करेगा, एक्स विल गिव द लोन टू वाई, जो यहाँ पे इसने लेंड किया है, दे विल गिव द लोन, बट एक सीडीएस परचेज करने के बाद, ताकि मेरा जो क्रेडिट रिस्क है वो लिमिट हो जाए. सो आई एम नॉट वायलेटिंग माई लिमिट ऑफ क्रेडिट एक्सपोजर, एक्स इज नॉट वायलेटिंग द लिमिट टू क्रेडिट एक्सपोजर, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो एबल टू लेंड टू वाई यूजिंग सीडीएस. अंडरस्टूड?
अंकित, उचिता और निहारिका, क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सिमिलरली जेड की पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, जेड की पॉइंट, एक निहारिका ने बोला ठीक है, उसने एज एन इन्वेस्टर उसको पता है कि रिटर्न ज्यादा मिलने वाले हैं फिर वॉट एवर द रिस्क द इन्वेस्टर हैज टेकन. दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ऑलवेज दिस इज फर्स्ट थिंग दैट वी सी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अनदर थिंग कैन बी जेड को वाई के, खाली वाई का पर्टिकुलर क्रेडिट रिस्क चाहिए बट वाई और कोई बॉन्ड बेच नहीं रहा मार्केट में या फिर उसका कोई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए उसने क्या किया है, उसने ये सीडीएस में एंटर किया है विथ एक्स. तो अभी जो क्रेडिट रिस्क है जो एक्स बेयर कर रहा था, अब वो क्रेडिट रिस्क कौन बेयर कर रहा है? जेड बेयर कर रहा है. अंडरस्टूड? सो इट्स बेसिकली जेड ने क्रेडिट एक्सपोजर लिया है या फिर उसने, हम बोल सकते हैं जेड हैज बेसिकली इंक्रीज्ड इट्स क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ वाई. ठीक है, एक्स ने रिड्यूस किया क्रेडिट एक्सपोजर एंड जेड ने इंक्रीज किया. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट दे हैव सोल्ड. नाउ ये जो क्वेश्चन, ये जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, यू मे नॉट गेट डायरेक्टली इन चैप्टर 4 बट यू विल गेट दिस लेटर ऑन इन एक्स असाइनमेंट्स या फिर समवेयर इन द रिविजन नोट्स. व्हाट आई विल डू इज, जो मैं ये लिख रही हूँ ना अपने इसमें आईपैड में, आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू नोट्स लेटर ऑन. नाउ देर आर टू वेज इन विच सीडीएस इज सेटल्ड. वन इज प्योर कैश पेमेंट एंड अनदर वन इज एक्सचेंज ऑफ बोथ. सो प्योर कैश पेमेंट क्या होता है, जहां पे ये जो बिल या फिर बॉन्ड है जो एक्स के पास था वाई का, तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज, लेट्स सपोज वाई ने पूरा 100 रुपीज तो नहीं रीपे किया, बट पूरा 100 रुपीज तो नहीं रीपे किया बट उसने खाली, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर अमाउंट 90 रीपे किया खाली. ठीक है, तो अब कैश सेटलमेंट में क्या होता है ना, क्योंकि इसने 90 रीपे किया बाकी 10 रीपे करना था, तो जेड क्या करेगा, जेड बाकी 10 रीपे कर देगा, तो एक्स के पास ऑल इन ऑल 100 आ गया. सो दिस इज कैश सेटलमेंट की जो भी, या फिर अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया, चलो इसने बोला हम कुछ नहीं पे करेंगे, जीरो पे करेंगे, तो ये जो मेरे पास बिल या बॉन्ड रह गया वाई का, आई कैन सेल दिस इन द मार्केट. मार्केट से जो भी मुझे मार्केट प्राइस जो भी उस समय होगा इस बॉन्ड का, दैट मार्केट प्राइस 100 माइनस दैट मार्केट प्राइस इज व्हाट जेड विल पे मी, क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस में उसको बेच दिया एंड जेड से बाकी मुझे अमाउंट, रेसिडुअल अमाउंट मिल गया. तो मेरे पास टोटल अभी कितना आ गया, 100 रुपीज आ गया बीइंग एक्स. ये होता है कैश सेटलमेंट, जहां पे मार्केट प्राइस निकालना इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मार्केट प्राइस डिटरमाइन करना ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक जिसने ऑलरेडी डिफॉल्ट कर दिया, जो इंस्टॉलमेंट हो गया, विच इज डिफिकल्ट. अनदर थिंग इज फिजिकल सेटलमेंट. फिजिकल सेटलमेंट में पूरा बिल एक्सचेंज होता है, मतलब कि मैं अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया वाई ने, तो मैं ये बिल या फिर बॉन्ड बेच दूंगी या फिर दे दूंगी जेड को कि ले लो तुम एंड मुझे पूरा 100 रुपीज दे दो. दैट इज योर फिजिकल सेटलमेंट. ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स, प्योर कैश सेटलमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ बोथ बॉन्ड एंड कैश एंड सिक्योरिटी. सो ये पूरा मैंने डिस्कस किया. आर इज बेसिकली द रिकवरी, जो मैं 90 रुपीज बोल रही थी कि 90 रुपीज पे कर रहे, बाकी 100 कौन पे करेगा, जेड पे करेगा. क्रेडिट लिंक नोट है, ये हम लोग चैप्टर 5 में करेंगे इलेबोरेटिवली एंड बहुत इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो आई विल मेक अ डायग्राम एंड शो इट टू यू ऑल. नेक्स्ट इज क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन. नाउ क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन यूजुअली क्या होता है ना, यहाँ पे एक हम लोग जैसे इट्स अ डिफरेंस, व्हाट इज अ स्प्रेड, स्प्रेड इज द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट व्हिच इज अर्नड इन टू डिफरेंट सिक्योरिटीज. एंड अगर ये जो स्प्रेड है इंक्रीज होता है, तो इसका क्या मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल से लेके बताती हूँ. तो यहाँ पे लेट्स सपोज एक बॉन्ड है ए एंड एक बॉन्ड है बी, इसका इंटरेस्ट रेट है 6%, इसका इंटरेस्ट रेट है लेट्स सपोज 4.5%. तो इन दोनों का गैप अभी करंटली कितना है, 1.5% है. दिस इज नोन एज स्प्रेड. लेट्स सपोज मैं बोल रही हूँ ये रिस्क फ्री है. ठीक है, ये रिस्क फ्री है, तो रिस्क फ्री पे मुझे 4.5% मिल रहा है, इस पे 6% मिल रहा है. अब बताओ मेरे को, इफ आई से दैट दिस स्प्रेड इज इंक्रीजिंग, स्प्रेड इंक्रीज होने का यूजुअली मतलब होता है कि ये 6% से लेट्स सपोज 6.5 हो गया,
या 7 हो गया, तो इसका क्या मीनिंग हो रहा है? अगर मैं बोल रही हूँ स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? ए ज्यादा रिस्की हो रहे हैं। वेरी गुड। तो अगर स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है, मतलब मुझे ए से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट कब ज्यादा मिलेगा? जब रिस्क ज्यादा हो रहा है। तो अगेन देयर इज अ रिस्क इवेंट हैपनिंग। हमने हर चीज हम क्रेडिट से जोड़ेंगे, बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या फिर क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन। हम क्रेडिट डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो दी कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? बेसिकली देखो, अगर स्प्रेड 1.5 समझ में आया कैसे आ रहा है, 6 - 4.5। हाँ अब मैं बोल रही हूँ चलो ये वाला जो स्प्रेड है ये 2% हो गया, 2% हो गया मतलब कि ए का इंटरेस्ट रेट 6.5 हो गया। रिस्क फ्री इज नॉट चेंजिंग, रिस्क फ्री वही है, बी बी उतना ही है एंड ए का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। तो अगर तुमको किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, यूजुअली उसका क्या मतलब होता है कि वो ज्यादा रिस्की हो रहा है, तभी तुमको उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अंडरस्टूड? राइट 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 ठीक है। तो अगेन देयर इज अ क्रेडिट इवेंट हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ पे हमारा रिस्क इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड इंक्रीज होने का मतलब है देयर इज अ क्रेडिट इवेंट, एंड इन दिस केस द क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो एक स्ट्राइक स्प्रेड डिटरमाइन होता है। स्ट्राइक स्प्रेड, व्हाट इज स्ट्राइक स्प्रेड? जैसे हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस एट विच द ऑप्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, के आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, के द प्राइस एट विच इट इज, और द रेट एट विच द ऑप्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे सिमिलरली स्ट्राइक स्प्रेड होता है। लेट्स से सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं स्ट्राइक स्प्रेड इज 1.75%। हम बोल रहे हैं अगर जो स्प्रेड है, ये जो स्प्रेड है दोनों के बॉन्ड के बीच का, अगर ये स्प्रेड 1.75% से ज्यादा होगा तो हम अपना क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम अपना क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन यहाँ पे। इसको क्विकली लेट्स रीड। तो यहाँ पे क्या बोला है, दैट दिस इज द स्प्रेड बिटवीन द यील्ड्स, यील्ड्स इज द रिटर्न्स दैट वी गेट, yields earned on the two assets which provides a payoff when the spread exceeds some level. That some level is basically the strike spread. The payoff should could be calculated as the difference between the value of the bond with the strike spread and the market value of the bond. ये important है। So ये जो payoff है, हम बोल रहे हैं कि हम credit spread option को execute करेंगे if the strike spread increases मोर देन 1.75%। तो क्या होगा वो पे ऑफ? वो पे ऑफ होगा डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विद द स्ट्राइक स्प्रेड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सो बेसिकली अगर हम बोले कि 1.75% इज द रेट, तो ये थोड़ा ट्रिकी है एक्चुअली, इसका कैलकुलेशन आता नहीं है क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन का, बट समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड। तो बोल रहे हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ए विथ द स्ट्राइक स्प्रेड विच इज 1.75% माइनस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मार्केट प्राइस बेसिकली ऑफ द बॉन्ड। उस समय का मार्केट प्राइस क्या है? 2% हो गया ना अभी हमारा क्रेडिट स्प्रेड, सो विथ 2%। नाउ एक जनरल थम रूल होता है। क्या थम रूल होता है? कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस क्या होता है, एक बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फॉल प्राइस विल फॉल। तो यहाँ पे ये 1.75% का स्प्रेड है एंड यहाँ पे 2% का स्प्रेड है। निहारिका, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 1.75 मतलब कितना है इसका स्प्रेड, मतलब इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? पहले था 1.5 एंड अगर 1.75 तुम स्ट्राइक स्प्रेड ले रहे हो तो कितना हुआ ये? 6.25 हुआ ना? हाँ, और यहाँ पे ये कितना हो गया? 6.5 हो गया। तो ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो ये जो मार्केट प्राइस आ रहा है दिस विल बी लोअर एंड दिस विल बी हायर। यस, तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज माय पे ऑफ, दिस डिफरेंस इज माय पे ऑफ ऑन द क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन। सो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विद द स्ट्राइक स्प्रेड माइनस मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड विद, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड मतलब उस समय जो भी क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन है। तो ये कब होगा एग्जीक्यूट? तभी होगा व्हेन दिस गिव्स यू अ पॉजिटिव वैल्यू। एंड ये पॉजिटिव वैल्यू कब देगा?
जब हम लोग का उस समय का स्प्रेड, उस समय का जो हमारा स्प्रेड है दैट इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक स्प्रेड. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसको पूरे को रीड कर लेना आप अच्छे से. स्वैप स्वैप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी गुड टॉपिक. हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे यहाँ पे कंपेरेटिव. सो व्हाट आई एम डूइंग इज जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है ना आगे जाके भी जो मिलेंगे एंड अगर वो यहाँ पे रेलिवेंट है आई एम टीचिंग इट ओवर हियर इटसेल्फ. तो जैसे ये स्वैप्स हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना तो इसमें एक टॉपिक है विच इज देयर इन टुवर्ड्स द एंड चैप्टर 23, उसका वो टॉपिक हम अभी पढ़ लेंगे बिकॉज वो अभी रिलेटेड है. तो आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे करना है. अभी आप लोग को क्या टास्क है आप लोग का, यू ऑल हैव टू रीड फर्स्ट सेकेंड चैप्टर पेज नंबर 9 तक जो मैंने पूरा फ्यूचर्स कराया था. उसके बाद ना सर हैज सेंड यू फ्यू वीडियोज ऑप्शन का, तो मेक श्योर आप लोग वो आज कल में उसको फिनिश कर लो ताकि ऑप्शन कवर हो जाए. एंड फिर उसके ऊपर के जो ऑप्शन मतलब हायर लेवल जो पे ऑफ होंगे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल देर आर डिफरेंट ऑप्शन पे ऑफ, तो वो सर लाइव क्लास में लेंगे. एंड स्वैप स्वैप्शन आई विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास. एंड यहाँ तक पेज 15 तक पढ़ लेना चैप्टर नंबर 4. ठीक है, तो ये एक बार करके रखो ताकि क्या है वी कैन प्रोसीड अहेड. एंड एक बार चैप्टर 5 तक हो जाए वी विल स्टार्ट विद बुकलेट 2. एंड चैप्टर 5 इज एक्चुअली वेरी लेंथी, सो माई टारगेट इज कि नेक्स्ट वीक तक फिनिश करें उसको क्योंकि काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एंड देन उसके बाद हम लोग बुकलेट्स फिर एटलीस्ट उसका स्टार्ट कर दें. देन वी विल मूव टू चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 जो कि हमारा बुकलेट 1 है एंड टैक्स वाला चैप्टर. सो चैप्टर 6 से 10 एंड चैप्टर नंबर 24 इज योर बुकलेट 1. तो फिर उसके बाद हम लोग वो करेंगे. ठीक है, तो अभी का टारगेट है कि ये पेज नंबर 15 तक इसको रीड कर लो अच्छे से. कोई भी डाउट है तो पूछ लेना एंड वो वाला सारा वीडियो स्टार्ट कर दो वो थ्रू करना जो सर ने भेजा है ग्रुप में. ऑलराइट, एनी डाउट्स? चैप्टर 3 में क्या है? वो ऑप्शन वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा जो वीडियो सर ने शेयर किया. ओके ठीक है, तो वो अभी मत रीड करना, मैं बोल दूंगी कब कब रीड करना है. बट अभी के लिए ये वाला रीड कर लो चैप्टर पेज 15 तक चैप्टर 4 का एंड वो वीडियोस देखना स्टार्ट करो. उसके बाद आई विल टेल यू, वो एक बार हो जाए ना देन यू ऑल कैन वो वीडियोस सारे हो जाए उसके बाद चैप्टर 3 रीड करना है. ओके ठीक है, एंड 4 मोस्ट प्रोबब्ली टुमारो आई विल फिनिश ऑफ एंड देन वी विल स्टार्ट विद 5. चैप्टर 5 में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में. ठीक है, और कोई डाउट है निहारिका अंकित? नहीं no.